आगरा दीवानी से बुधवार को गैंगस्टर फिल्मी अंदाज में फरार हुआ। उसके साथी आए और बड़े आराम से उसे भगाकर ले गए। एसएसपी प्रभाकर चौधरी को वारदात की सूचना दोपहर 2:15 मिली। सूचना पर वह सीधे दीवानी पहुंचे। दीवानी में जिला जज की अदालत के बराबर में कंट्रोल रूम है। वहां सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर लगे हैं। एसएसपी और एसपी सिटी ने सीसीटीवी फुटेज देखी। इसके लिए टीमें बनी हुई है। हम लोग अभी हमारे पास रिसोर्सेज के माध्यम से हम पता कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनपुट मिला है हमें, उस पर टीमें काम करती हैं। लगभग एक व्यक्ति जो पकड़ में आया था उसने उसे क्या पता लगा? काफ़ी चीज़ें मिली हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लीक होने से फिर अपने को मौका मिल जाएगा सूचना जल्द। बट एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उसका इन्वॉल्वमेंट दर्ज किया गया उसके खिलाफ। बाकी काफ़ी उनको मुझसे मिला उसका काम। सर, जिस तरीके से पूरे दीवानी में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रहती है, ऐसे में कैदी को भगा के ले जाना चाहता हूँ, अगर सुरक्षा व्यवस्था थी वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और इस चीज़ में कम दृष्टि जो आया है सिपाही की लापरवाही उसमें रही है। और अभी तक की जाँच में कोई ईंट से मारने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये आया है कि जब वो भाग गया तो बहाना मारने के लिए शाही में फिरोजाबाद का गैंगस्टर विनय श्रोतिया साथियों की मदद से अभिरक्षा में लगे सिपाही को घायल कर फरार हो गया। उस पर डकैती कोर्ट में थाना बरहन क्षेत्र के लूट व पुलिस मुठभेड़ के 4 केस विचाराधीन हैं। इन्हीं मामलों में बुधवार को वह पेशी पर लाया गया था। कैदी के भागने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस दीवानी कचहरी पहुंच गई। पुलिस ने नाकाबंदी की पर आरोपियों का पता नहीं लगा। बता दें कि विनय श्रोतिया दिसंबर 2018 से जिला जेल में बंद था। बुधवार को जिला जेल से उसे पेशी पर दीवानी लाया गया था। हेड कांस्टेबल अनुज प्रताप दोपहर करीब 1:15 दीवानी हवालात से उसे डकैती कोर्ट में ले जा रहे थे। अनुज प्रताप के अनुसार रास्ते में इसी बीच उन पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। ईंट मारकर सिपाही का सर फोड़ दिया गया। वो वहीं गिर पड़ा और गैंगस्टर विनय श्रोतिया साथियों के साथ भाग निकला। वहीं आगरा की न्यायालय परिसर में हुई घटना से अधिवक्ताओं में भी रोष है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसी कई वारदातें परिसर में हो चुकी हैं, लेकिन वारदात के कुछ दिनों तक ही पुलिस की सख्ती दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने टुंडला निवासी सोनू कुमार को भी हिरासत में लिया है। सोनू कुमार ने यह बताया था कि बदमाशों ने दीवानी में उसका मोबाइल लूटा था, उसके बाद भी पुलिस को संदिग्ध लग रही है। पुलिस को आशंका है कि वह गैंगस्टर के साथ साथियों से मिला हुआ है, उससे भी पूछताछ जारी है। आगरा के दीवानी परिसर से गैंगस्टर के फरार मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसमें सख्ती बरतते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि इसी सोनू व्यक्ति जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, इसी ने उन गैंगस्टर की बात उनके साथियों से कराई थी और इसमें लापरवाही बरतने को लेकर जिला सत्र न्यायालय में जिस तरीके से जो घटनाक्रम कल घटित हुआ उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने लापरवाही बरतने के मामले में 2 पुलिस कर्मियों अविनाश राणा और जो घायल हुआ था इस पुलिस कर्मी अनुज प्रताप सिंह, लापरवाही बरतने के मामले में इन दोनों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कराया जो थाना न्यू आगरा में दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बड़े ही चौकन्ने हैं, सतर्क हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद आगरा जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था भी चौकन्नी कर दी गई है। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं सत्र न्यायालय में जिस तरह की ये घटना सामने आई है उसके बाद यहाँ जो वकील हैं उनका कहना है कि जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा पर भी इस पूरे घटनाक्रम ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अखबारवाला.com के लिए आगरा से ब्रजभूषण।